आज हम इंग्लिश का चैप्टर 8 जल द लिटिल ड्रॉप इसका सीन 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने सीन 2 और सीन फर्स्ट के बारे में पढ़ा था कि जो जल है वो अपने आप से कह रहा है इस सीन में कि भाई मैं अपने जल के होने से परेशान हो गया हूँ, बोर हो चुका हूँ, अब मैं चेंजिंग चाहता हूँ अपने आप में। तो इस बात को लेकर वो एयर के पास जाता है। एयर फिर उसे मना कर देती है कि तुम चेंज मत करिए, ये बहुत ही नुकसानदायक होगा पूरी कुदरत के लिए। लेकिन वो नहीं मानता, बल्कि गुस्से में फिर वो क्या करता है, वो सूरज के पास जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए ब्लू बैकग्राउंड सर सन स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, यानी कि एक ब्लू बैकग्राउंड है, जो पर्दा है जहाँ पर वो ये ड्रामा चल रहा है वो बैकग्राउंड जो है वो ब्लू कलर का है। देखिए सर सन स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, जो सन है ये स्टेज पर खड़े हैं, कोई बच्चा बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में अब जल सन से कह रहा है फ्लोज ऑन टू द स्टेज एंड वेव्स आउट टू हिम, यानी कि स्टेज पर बहता हुआ और लहराता हुआ उससे कह रहा है, ठीक है। व्हाट ए नाइस सनी डे इट इज, कि आज कितना सुनहरा दिन है, ठीक है। आई एम श्योर विद योर ब्रिलियंस, ठीक है, मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर यकीन है। यू विल फाइंड ए सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, कि तुम मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लोगे। सन बोल रहे हैं स्माइल्स वार्मली, ठीक है ना, मतलब बड़े उत्साह से वो मुस्कुराए, फिर बोले श्योर आई विल ट्राई माई बेस्ट, बिल्कुल जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा। पॉज करते हुए उसने ये बात बोली, बट आई कांट फाइंड ए सॉल्यूशन टिल आई हियर योर प्रॉब्लम। लाफ्स, तो हंसते हुए फिर वो कह रहे हैं कि बट आई कांट फाइंड ए सॉल्यूशन, कि मैं तब तक तुम्हारी सॉल्यूशन प्रॉब्लम का नहीं कर पाऊंगा, टिल आई हियर योर प्रॉब्लम, जब तक कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुन नहीं लेता, ठीक है। उसके बाद में फिर जल कह रहा है, शेक्स हिज हैंड, उसके हैंड्स को हिलाते हुए, ठीक है। ओ हाउ फुलिश ऑफ मी, कि मैं कितना मूर्ख हूँ। स्पीक्स इन वन ब्रीथ, फिर एक सांस में पूरी बात को बोल जाता है। क्या बोलता है, वही बात कि भाई मैं जल होने से परेशान हो गया हूँ, ठीक है, कि यही जो सालों से चला रहा है, ठीक है ना, साइकिल चला रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से मैं जो मेरा निर्माण होता है, ठीक है, और वही जो रिसाइकिल चला रहा है उसका वाटर बनने का, उससे मैं बोर हो चुका हूँ। तो वो कह रहा है एक सांस में, यू सी आई एम बोर्ड, आई एम फेड अप ऑफ बींग जल, द लिटिल ड्रॉप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट हैज़ बीन गोइंग थ्रू द वाटर साइकिल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। टेक से ब्रीथ, तो उसके बाद एक लंबी सी उसने सांस ली। टेल मी ए वे टू चेंज, अब मुझे रास्ता बताइए इस बदलाव का। अब सन को देखिए, सन लुक्स बिवल्डर्ड, सूरज एकदम हक्का बक्का सा उसे देखने लग जाता है। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको, माई हेड इज इन व्हर्ल, ठीक है ना, कि मेरा सिर चकरा रहा है। लुक्स एट जल इन अमेजमेंट, यानी कि बड़ी हैरत से जल की तरफ उसने देखा। आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है तुमसे, वाई डू यू वॉन्ट ए चेंज, कि तुम ये बदलाव क्यों चाहते हो। डू यू हैव एनी डिस्कम्फर्ट, तुम्हें कोई परेशानी है, कोई बेचैनी है, किसी प्रकार की असहजता है, ठीक है। डू यू हैव एनी डिस्कम्फर्ट, जल बोला, थोड़ा सा सोचा, थिंग्स नो नो नॉट एट ऑल, कोई परेशानी नहीं है मतलब, बट आई एम सर्टेन दैट आई वॉन्ट टू चेंज, लेकिन मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि मुझे बदलाव चाहिए, ठीक है। सन कह रहा है रिमेंबर, याद रखना, चेंज विदाउट रीजन, कि बिना कारण के कोई बदलाव इज नॉट ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छा नहीं होता। जल कह रहा है फिर, टर्न्स अवे इन हफ, यानी कि बड़े गुस्से में मुड़ा, बड़े जोश से मुड़ा। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, आई जस्ट वॉन्ट ए चेंज, मुझे सिर्फ बदलाव चाहिए। सन रुका, थोड़ा सा पॉज किया उसने, फिर बोला, नाउ लुक एट मी, कि मेरी तरफ देखो, और एट मिस एयर, और मिस एयर की तरफ देखो जो हवा है, मास्टर माउंटेन को देखो, और आंटी रिवर को देखिए, नदी को देखिए। वी हैव नॉट चेंज फॉर मैनी मैनी ईयर्स, हमने कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है ना, बहुत सालों से। इफ एनी ऑफ अस वर्ल्ड टू चेंज, अगर हम बदलाव करना चाहते, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वुड बी इन चॉज, तो इस जो संसार में अर्थ अव्यवस्था फैल जाती, सारा जो संसार है ये उथल पुथल हो जाता,
ठीक है। फिर सीन फोर में देखिए अब क्या होता है, जो जल है वो मिस्टर माउंटेन के पास जाता है, मास्टर माउंटेन के पास जाता है। ए ब्लू बैकग्राउंड है, मास्टर माउंटेन स्टैंडिंग इन द मिडिल, यानी कि बीच में वो खड़े हैं, स्टेज के बीच में खड़े हैं। अब जल उनसे कह रहा है, हेलो मिस्टर माउंटेन, हेलो मिस्टर माउंटेन। माउंटेन कह रहा है, सो इट इज़ यू जल, व्हाट्स ब्रिंग यू हेयर, तुम क्या लाए हो यहाँ पे। तो जल कह रहे हैं, स्पीक स्लोली, धीरे से बोले जल, आई एम टायर्ड, आई एम बोर्ड एंड आई एम फेड अप, आई वांट ए चेंज, मैं थक चुका हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे बदलाव चाहिए। माउंटेन गेट्स एंग्री, बड़े गुस्से में बोला माउंटेन, ये बच्चा है जो माउंटेन बना हुआ है तो ठीक है, ये इसकी भूमिका निभा रहा है माउंटेन की। तो अब माउंटेन गेट एंग्री, वो गुस्से में हो गए, व्हाट चेंज, व्हाई, क्या बदलाव, क्यों। जल, स्टॉप शाउटिंग एट स्कोल्डिंग मी, मुझ पर चिल्लाना और गुस्सा करना बंद करो। माउंटेन, आई हैव एवरी राइट टू डू सो, मुझे पूरा पूरा हक है, एवरी राइट, मुझे पूरा हक है। स्प्रेड्स हिज हैंड्स एंड टॉक्स, पूरे दोनों हाथों को फैलाते हुए बोलता है, यू सी यू हैव बीन क्रिएटेड बाय माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो निर्माण है, यू हैव बीन क्रिएटेड बाय, तुम्हारा जो निर्माण हुआ है वो मेरे जो परदादा हैं, ग्रेट ग्रैंड, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनके द्वारा हुआ है, ठीक है ना, जो पढ़ दादा हैं उनके द्वारा तुम्हारा जो निर्माण है वो हुआ है। ग्रैंड मास्टर वॉल्केनो, कौन है वो, ग्रैंड मास्टर वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। इट वाज ही, यही थे वो, हु थ्रू आउट गैसेस एंड डस्ट दैट फॉर्म्ड नॉट ओनली यू बट आल्सो योर कंपेनियन ईयर, ये वही थे जिनके बाहर, जिनके द्वारा फेंकी हुई गैसों और धूल कणों से है ना तुम्हारा निर्माण हुआ है, बट आल्सो योर कंपेनियन एयर, और तुम्हारे जो साथी हैं हवा, एयर जो है उसका भी निर्माण हुआ है। तो ये बात कौन कह रहे हैं, मिस्टर माउंटेन कह रहे हैं, मास्टर माउंटेन। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, अकॉर्डिंग टू मास्टर माउंटेन हु क्रिएटेड जल, कि अकॉर्डिंग टू मास्टर माउंटेन, मास्टर माउंटेन माउंटेन के अकॉर्डिंग जल का निर्माण किसने किया, आंटी रिवर, ग्रैंड मास्टर वॉल्केनो या फिर मिस एयर। तो यहाँ का राइट ऑप्शन जो है वो है ग्रैंड मास्टर वॉल्केनो, इट मीन्स ज्वालामुखी। तो आगे चलते हैं, अब देखिए जल इन एक्साइटमेंट बड़े ही उत्साह से बोले, देन यू आर द पर्सन हु कैन हेल्प मी, तब तो तुम ही वो पर्सन हो जो मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज 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 चेंज मी। माउंटेन बोलता है, जल आई थिंक यू मस्ट थिंक ओवर योर प्रॉब्लम, कि तुम जरूरत से ज़्यादा सोच रहे हो अपनी प्रॉब्लम के बारे में। यू आर द लाइफ गिवर, तुम जन्मदाता हो, जन्मदाता हो, यू आर लाइफ गिवर, तुम दूसरों को जीवित जीवन दान देने वाले हो। ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई विदाउट यू, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, जी लिविंग थिंग्स हैं, विल डाई, वो मर जाएंगी विदाउट यू, तुम्हारे बिना। डोंट यू रियलाइज, तुम्हें एहसास है इस चीज़ का, तुम्हें एहसास नहीं है इस चीज़ का। यू मेक अप द स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, वेल्स एंड ऑल अदर सोर्स ऑफ वाटर, तुम बनाते हो, क्या क्या बनाते हो, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, वेल्स एंड ऑल अदर सोर्स ऑफ वाटर, पानी के बहुत सारे सोर्सेज जो स्रोत होते हैं वो सभी तुम बनाते हो। एवरी वन लव्स यू द वे यू आर, ठीक है ना, एवरी वन यानी कि हर कोई तुमसे प्यार करता है क्योंकि तुम सभी का रास्ता हो, ठीक है। जल पुट्स हिज हैंड्स ओवर हिज ईयर्स, तो जल ने अपने कानों पे दोनों हाथ रख लिए एंड वॉक्स अवे, और वहां से चल दिया। सेम ओल्ड स्टोरी, वही पुरानी स्टोरी, तो ये कहता हुआ अपने कानों पे दोनों हाथ रख के वो वहां से चल दिया। तो इसके बाद में फिर बात करेंगे हम अगले वीडियो में, सीन 5 एंड सीन 6 एंड 7। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।